नमस्कार, मैं भाग्यश्री पीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। रेस क्लब द्वारा विदर्भ कैरम एसोसिएशन के सहयोग से अनोखी कैरम प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, विजेताओं को दिया गया मोमेंटो के साथ कैश प्राइज। उन्नति फाउंडेशन की ओर से शहर पुलिस द्वारा साइकिलथॉन में भाग लेने वाले सैकड़ों साइकिल चालकों का किया गया भव्य स्वागत, भारत माता की जय से गुंजा परिसर। आइए नजर डालते हेडलाइंस पर। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोनों मंत्रियों ने आज हो रहे विधान परिषद के 11 सदस्यों के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से मतदान करने की इजाजत मांगी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनको MLC और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनका वैधानिक अधिकार है और वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। अपनी याचिका में नेताओं ने कहा है कि उन्हें जेल से पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया जा सकता है और वोट डालने के बाद वापस जेल लाया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये मामला अत्यावश्यक है, इसलिए इसे आज ही सुना जाए, क्योंकि वोटिंग आज शाम 4 बजे तक ही है। कलसा खेत में भले ही कपास की बुवाई हो गई हो, लेकिन पिछले 12 दिनों से किसान DB की खराबी से जूझ रहे हैं। इस संबंध में जिन किसानों ने खेत में बुवाई की है, वे बार बार कलसा गांव के वायरमैन से इलेक्ट्रिक DB की मरम्मत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस वायरमैन ने किसानों का मजाक उड़ाया है। किसान वायरमैन से नाराज होकर और बड़ी संख्या में किसान बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों मौखिक शिकायत कर रहे हैं। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के उप अभियंता राठौड़ व झा साहब से भी बार बार हाथ जोड़कर रोहिता को चालू करने का अनुरोध किया गया, लेकिन विद्युत वितरण अनुमंडल अभियंता दिग्रस चोर का साथ दे रहे हैं। लेकिन बिजली बिल भरने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या अधिकारियों को इस बात का एहसास नहीं कि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने सरकार को 24 घंटे सेवा देने की लिखित गारंटी दी थी? ऐसा भ्रम आम नागरिकों में पैदा हो गया है। यवतमाल जिला किसान आत्महत्याग्रस्त जिला है। किसानों की फसल जलने की अवस्था पर आ गई है। एक दो दिन और विलंब हो गया तो सारी फसल जलकर खाक हो जाएगी। अगर फसल का नुकसान होता है तो उसे जिम्मेदार बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी होंगे। ऐसे ही नुकसान के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। ऐसी भावना किसानों ने व्यक्त की है। हाँ, 12 दिवस झालेले आहे कापसाची लागवड केलेली आहे आणि पाऊसहीसुद्धा नाही वरचा आणि MSCBवालेसुद्धा आम्हाला कोणतीच मदत करत नाही, DPC लाईन बंद आहे, त्यामुळे आता निघालेले कपाशी ते कोमातनी असून टोपणामध्ये आहे आणि आता काही उगवलेले आहे तेसुद्धा मरण्याच्या फिकरीत आहे। आम्ही काय करावं कष्टकारांनी याच्या हाताबद्दल आम्हाला थोडीशी मदत करावी MSCBवाल्यांनी, पाण्याचीसुद्धा आम्हाला अत्यंत गरज आहे। आता आम्हाला MSCBवाल्यांनी तात्काळ मदत करावी, लाईनीची लाईन दुरुस्त करून द्यावी, आम्ही विहिरीचे पाणीसुद्धा देऊ शकतो, नाहीतर आम्हाला याच्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही। पॉवर ऑफ केली तर ते लाईन पण ठेवली आहे ना साहेब लोकांनी, आम्हाला पैसे मागते तर आम्ही पैसे कुठून द्यायची आहे? हां, कशाची लागून केलेली आहे तुम्ही? हे आम्ही पराठीची लागून केलेली आहे। किती दिवस झाले? 8-10 दिवस झाले, याच्यात पाणी नाही आहे। एक पाणी आलं ते पुसून पाणी नाही आणि लाईन किती दिवस झाले पण लाईन बाबा 8-10 दिवस झाले लाईन पण ठेवली आहे। याविषयी आपण तक्रार केली नव्हती का? केली पण ते येऊ शकत नाही आणि इकडे पैसे मागत। इथं लाईनमन कोण आहे? लाईनमन आपला तिथुरीच आहे बाबा, ते पोरगा काय म्हणते ते म्हणते पैसे द्या तेव्हा तुमची लाईन चालू होती। पैसे दिल्याशिवाय लाईन चालू करत नाही, चालू करत नाही। शेतात हिर आहे VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट।
ज्वाला धोटे की ओर से पुलिस आयुक्तालय के 6वें माले पर पत्रकार परिषद करने की मांग की गई थी, जिसे पुलिस की ओर से नामंजूर किया गया था। पुलिस आयुक्त को भ्रष्टाचारी बताते हुए शुक्रवार को भाजपा की ओर से आयोजित की गई पत्रकार परिषद के विरोध में ज्वाला धोटे ने इस बात पर नाराज होकर कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आमरण उपोषण व जलत्याग उपोषण करने की चेतावनी दी है। ज्वाला धोटे का कहना है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में पुलिस का मनमानी कारोबार शुरू है। इस कारोबार हो रही मनमानी को जिम्मेदार अजगर की तरह सुस्त बैठी हुई है। निष्क्रिय अपयशी महाविकास आघाड़ी, अपयशी गृह विभाग और केंद्र सरकार के भरोसे पर अपनी मनमानी करने वाला नागपुर का विपक्ष है। आगे बोलते हुए ज्वाला धोटे ने कहा कि नागपुर के आयुक्त कार्यालय में ऐतिहासिक घटना घटी है। कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री के हाथों से आयुक्त कार्यालय इमारत का अनावरण हुआ था। शुक्रवार को विपक्ष के कुछ नेता भाजपा के विधान परिषद विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े, माजी विधायक देशमुख, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को किसी सामाजिक विषय पर निवेदन देने आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। पुलिस आयुक्त को निवेदन देने के लिए उनकी कुर्सी उनके पद का मान रखते हुए उनके पास जाकर निवेदन दिया जाता है। ज्वाला धोटे ने पुलिस आयुक्त को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि वह भाजपा का निवेदन लेने कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे थे। वहां भाजपा की पत्रकार परिषद हुई, वहां जाकर पुलिस आयुक्त ने निवेदन स्वीकार किया। इन सब लोगों ने मिलकर कायदे का उल्लंघन किया है। प्रशासकीय इमारत में राजकीय पक्ष या सामाजिक संगठन पत्रकार परिषद आयोजित नहीं कर सकते। कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। जो जो लोग इसमें दोषी है उन पर अविलंब फौजदारी गुनाह दाखिल किया जाए। इस प्रकरण से संबंधित पुलिस अधिकारियों पर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी मांग ज्वाला धोटे की ओर से की गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्वाला धोटे ने पुलिस आयुक्तालय के सामने आमरण उपोषण व जलत्याग उपोषण पर बैठने की और यह आंदोलन सोमवार से शुरू किए जाने की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र उपराजधानी नागपुर मध्ये पुलिस प्रशासनाचा छान मस्त मनमानी कारभार सुरू आहे। या संपूर्ण कारभारला मनमानी कारभारला जबाबदार आहे अजगरासारखं सुस्त पडलेलं महाविकास आघाडी, निष्क्रिय वैफल्यग्रस्त महाविकास आघाडी, अपयशी महाविकास आघाडी, अपयशी महाराष्ट्र गृह विभाग आणि केंद्राच्या जोरावर मस्तावलेलं केंद्रीय मंत्रीच्या जोरावर मस्तावलेलं नागपूरचं विपक्ष। काल परवाची ऐतिहासिक घटना झाली कालची आणि कायदेशीररित्या अधिकृतरित्या त्यांना निवेदन दिलं पाहिजे, परंतु काही राजकीय पक्षाच्या लोकांची चाटुकारिता आणि तल्ले चाटणारा हा पोलीस आयुक्त काही नेत्या मंडळींचं हा आयुक्तालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जातात, निवेदन घेतात, तिथे भाजपची पत्रकार परिषद होते, त्या पत्रकार परिषदेला सुरुवातीला ते बसतात, तिथे निवेदन घेतात आणि नंतर मग आपल्या कक्षात चालले जातात। नागपूरचं टिळक पत्रकार भवन आणि प्रेस क्लब इसको तो अभी ताला लगने की समय आ गया है, कारण तिकडे पैसे कशाला भरायचे, प्रेस क्लबला 4-5 हजार रुपये भरावे लागतात पत्र परिषद घ्यायला, प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ शकत नाही। ज्वाला धोटेला अडवायला इथे शेकडो पोलीस आले आहेत की तुम्ही 6व्या माळ्यावर पत्र परिषद घेऊ शकत नाही, तर ज्वाला धोटेला एकट्या महिलेला अडवायला शेकडो पोलीस येतात, मग ही शंड पोलीस काल भाजपच्या लोकांनी इथे पत्र परिषद घेतली तर त्यांना का नाही अडवलं, त्यांना का नाही रोखलं? आणि जर का पोलीस आयुक्तांचं म्हणणं आहे की त्यांना सूचना दिल्या होत्या तरी त्यांनी प्रेस घेतली तर त्यांच्या कंबरड्यावर दांडू का नाही मारले पोलीस कमिशनरनी आणि या पोलीसवाल्यांनी? जेव्हा सामान्य जनता पोलिसांच्या आदेशाचं पालन करत नाही, कायदा मोडतो, तर पोलीस कसे दंडे आणि चापका कमरेवर मारतात? नागपूरच्या इतिहासात काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल अशी ऐतिहासिक घटना या सुसज्ज आयुक्त कार्यालयात झाली। नवीन कार्यालय काल परवाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या शुभ हस्ते या सुसज्ज इमारतीचं अनावरण झालं होतं। बाब अशी आहे की काल काही विपक्षाचे
मुठभर नेते मंडळी पोलीस आयुक्तांना एक खाप सामाजिक प्रश्नावर निवेदन द्यायला आले. मुठभर नेते म्हणजे भाजपचे सध्याचे विधान परिषदेचे आमदार बावनकुळे साहेब, महाराज खोपडे साहेब, माजी आमदार देशमुख साहेब, हे अमितेश कुमारला एका विशिष्ट प्रकरणात निवेदन द्यायला आले. हाईट तर ही झाली की त्यांचं निवेदन घ्यायला हा महाभ्रष्टाचारी पोलीस आयुक्त कॉन्फरन्स हॉल मध्ये येतो. तसं पाहिलं तर आयुक्तांना निवेदन द्यायचं असेल तर आयुक्तांच्या खुर्चीचा मान असतो, त्यांच्या पदाचा सन्मान राखावा लागतो. लोकांनी आपलं निवेदन घेऊन हे आयुक्तांच्या दलनात केलं पाहिजे. नागपूर के प्रेस क्लब द्वारा विदर्भ कैरम असोसिएशन के सहयोग से अनोखी कैरम स्पर्धा कला आयोजन 18 और 19 जून को किया गया. यह प्रतियोगिता मुख्य रूप से पत्रकार लोगों के लिए आयोजित की गई थी. स्पर्धा में शामिल हुए पत्रकार बंधुओं को सहभाग प्रमाण पत्र और विजेताओं को मोमेंटो के साथ एक कैश प्राइज दिया गया. कैरम खेलने से एकाग्रता बढ़ती है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से पत्रकार लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर अपनी एकाग्रता, अपनी प्रतिभा को बढ़ाए, यह इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था. विदर्भ कैरम एसोसिएशन के सहयोग से नागपुर प्रेस क्लब और स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मीडिया स्टाफ कैरम प्रतियोगिता में कुणाल राउत ने मेन सिंगल्स फाइनल और डबल फाइनल में विजय प्राप्त की. सिविल लाइंस के प्रेस क्लब सभागार में रविवार को समाप्त हुए टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स फाइनल में कुणाल ने विजय ठाकुर को 25-0 से हराया. डबल फाइनल में कुणाल और विनोद सूर्यवंशी ने पंकज नाचपांडे और चित्तरंजन नागदेव को 25-8 से हराया. मुख्य अतिथि कलेक्टर आर विमला द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए. इस अवसर पर अंकुर सीड्स के कार्यकारी निदेशक विशाल उमालकर, क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैत्र, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, सचिव चारुदत्त कहू, प्रतियोगिता के आयोजक डॉक्टर राम ठाकुर, सचिव पारितोष प्रामाणिक और प्रमुख पंच सिद्धार्थ नारन उपस्थित थे. अन्य निकाल कुछ इस प्रकार: मेन सिंगल्स फाइनल में तीसरे स्थान पर पंकज नाचपांडे ने कार्तिक लोखंडे को 25-20 से हराया. सेमीफाइनल में कुणाल राउत ने पंकज नाचपांडे को 25-1, विजय ठाकुर ने कार्तिक लोखंडे को 25-0 से हराया. तो वही डबल्स फाइनल में तीसरे स्थान पर परितोष प्रामाणिक ने नसीम शेख को, महेश सारंगी ने मनीष श्रीवास को 25-8 से हराया. सेमीफाइनल में कुणाल राउत ने विनोद सूर्यवंशी को, परितोष प्रामाणिक ने नसीम शेख को 25-10, पंकज नाचपांडे और चित्तरंजन नागदेवते ने महेश सारंगी, मनीष श्रीवास को 25-4 से हराया. आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर इस अवसर के लिए आपके साथ आपकी जीत की सेलिब्रेशन करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रही हूँ. कैरम एक ऐसा गेम है जो आई थिंक हर इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ में खेलता है, बचपन में खेलता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, कभी आउटिंग पे जाए तो खेलता है. पर ऐसा स्पोर्ट खेलना मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे भी आपकी जो लाइफ है एज जर्नलिस्ट काफी स्ट्रेसफुल रहती है, लिखना होता है आपको, आपकी क्रिएटिव स्किल्स यूज करने होते हैं. और इस ऐसे में मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर, इसको एक ऐसे बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बहुत जरूरत है जो उसको और शार्पन कर सके. और मुझे लगता है कि कैरम से बेहतर कोई होगा नहीं, जिसमें आपको एक तो स्फूर्ति चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स चाहिए कि एग्जैक्टली जो गोटी है जाके पॉकेट में गिरनी चाहिए, तो हाथों में एक वो स्किल चाहिए, एक प्रॉपर कंट्रोल चाहिए. मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको जो आप जर्नलिज्म में यूज करते हैं, इस गेम में भी आपको यूज करने के लिए मुझे लगता है पूरा पूरा सहयोग मिला होगा. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से कुछ लोग इसमें फाइनल्स तक पहुँच कर आपको प्राइजेस भी मिलने वाले. अगर मैंने सुना कि कैश प्राइज भी मिलने वाले तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ट्रॉफी वॉफी तो अच्छा लगता है पर जेब थोड़ी गर्म हो तो किसी भी अच्छा ही लगता है. तो ये कैश प्राइज भी आपको मिल रहा है तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एक्साइटेड है और कुछ ना कुछ प्लान करेंगे. आज फादर्स डे भी है तो बचपन में हमारे फादर ने ही मुझे ये मित्र जी मिले भी है, उनसे इस गेम से इंट्रोड्यूस किया था. और बहुत अच्छे सुहाने अनुभव है, बहुत खुशी वाली बातें भी मुझे याद है स्पोर्ट्स के बारे में. इसलिए मुझे बुलाया गया तो मैं बहुत खुश थी कि
कि अच्छा है, मैं रिलीफ मोमेंट्स करूंगी। और मेरे फादर को भी मैंने बताया आज फोन पे कि मैं ऐसे एक प्रोग्राम में जा रही हूँ जहाँ पे कैरम के स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, और मैं आपको सभी को बहुत अच्छा विश करती हूँ। नागपुर में नागपुर के डेवलपमेंट के लिए प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नो डाउट। तो जैसे अभी मास्क का भी कह रही हूँ, तो बहुत कम लोगों ने पहना है, कोविड के नंबर्स बढ़ रहे घट रहे होते रहता है, और एक कैजुअलनेस कई बार हम लोगों में आती है। तो प्रेस जो हमारे साथ किसी भी में हो, मतलब जैसे जिक्र हुआ था कि ब्रेक द बायस मैराथन में जो सक्सेस हुआ था, तो आपने हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया था। तो हर चीज में, भले कोविड हो कोई और चीज हो, हमेशा ही मैं चाहूंगी प्रशासन के साथ आप सहकार्य करते रहे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मतलब ये मैं नहीं चाहूंगी कि आप, मतलब अच्छी चीज है ये कि प्रशासन मैनेज करने में काफी सारे चीजों को सामना करना पड़ता है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कभी कभी कम ज्यादा होते हैं, और इन सभी को ध्यान में रखते लोगों की कैपेसिटीज अलग अलग होती है, पर ये सभी को साथ में रख के हमें अच्छा काम करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम लोगों में एक खेल भावना है जो हम अभी भी जिंदा रखे, वो जज्बा रखे कि हार जीत को हमको एक्सेप्ट करना है। तो ये जज्बा के साथ मुझे लगता है कि पत्रकारिता में आप कहीं ना कहीं जज्बा जिनमें है हार और जीत, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, वो पार्टीजन में से कोई पत्रकारिता नहीं करता। समाज को दिशा वही लोग दे पाएगा जो पार्टीजन नहीं रहता होगा। तो ऐसे चीज आप लोगों में अभी भी बरकरार है, आपको इतने बड़े संख्या में हमारे बीच में मौजूद रहे, दो दिन तक आप जो खेले, कई लोग हारे कई लोग जीते, मगर जो हारे हैं वो दोबारा नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो जीत जाएंगे, तो बहुत बिग वे से मार्च करेंगे, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। आप सब आए, सही में मैं मन से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत।
विधान परिषद चुनाव पर बोलते हुए हम चमत्कार के लिए नहीं बल्कि विजय होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा में 3 उम्मीदवार हमारी ओर से खड़े थे, उनमें से तीसरे उम्मीदवार विजयी हुए। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत बावनकुले के नेतृत्व में बनाई गई विजय की व्यूह रचना के अनुसार हमें विजय प्राप्त हुआ। विधान परिषद चुनाव में हमने चमत्कार के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए 5वां उम्मीदवार खड़ा किया है। हमने इस चुनाव की भी तैयारियां नियोजन पूर्वक की है और हमें विश्वास है कि हम ही विजयी होंगे, ऐसा विश्वास सुधीर मुनगंटीवार ने व्यक्त किया है। चमत्कारासाठी आम्ही निवडणूक लढवत नाही आहोत, विजयासाठी निवडणूक लढवत आहोत। राज्यसभेतही विचारपूर्वक 3 उमेदवार दिले आणि विधानसभा सदस्यांच्या सद्विवेक बुद्धीच्या माध्यमातून आमचा तिसरा उमेदवार निवडून आला। त्यासाठी देवेंद्रजीच्या व चंद्रकांत दादांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही विजयाची व्यूहरचना केली आणि एकत्रितपणे विजय प्राप्त केला। आम्ही चमत्कारासाठी 5वा उमेदवार उभा केला नाही, अतिशय नियोजनपूर्वक याही निवडणुकीची तयारी आम्ही केली आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही विजयी होऊ। 24 ऑक्टोबर 2019 आमच्याशी धोका झाला, मतदारांशी गद्दारी केली, आता जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा आमदार। आता आमदारांना सुद्धा ज्यांनी मतदारांशी प्रतारणा केली, ज्यांनी मतदारांचा विश्वासघात केला, आता विश्वासघात करणारे लोक आमदारांच्या संदर्भात आणि विशेषतः अपक्ष आमदारांच्या संदर्भात जेव्हा अपक्ष आमदारांनी गद्दारी केली असं सांगतात, तेव्हा 7 अजुबे इस दुनिया में 8वा अजुबा यांचं भाष्य आहे। आणि म्हणून निवडणूक विधान परिषदेच्या 5व्या उमेदवाराचा विजय हा भारतीय जनता पक्षाचा निश्चित आहे। आणि यासाठी आपण बघितलं असेल की शिवसेनेच्या नेत्यांनीही सांगितलं, जेव्हा अपयश पुढे दिसतं तर अपना अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। काँग्रेसला त्यांनी सांगितलं, तुम्ही आपलं पहा, 44 आमदारामध्ये काँग्रेसचं गणित जमूच शकत नाही, हे आमच्या अगोदर शिवसेनेच्या नेत्यांच्या। बजाज नगर पुलिस की ओर से स्वागत हॉटेल जगदीश सावजी, समाधान सावजी और कॉर्नर हाउस नामक होटल्स और ढाबों पर रेड मारी गई। बंदी होने के बावजूद इन ढाबों और होटल पर अवैध तरीके से लोग शराब बेचते और कुछ लोग पीते हुए पाए गए। पुलिस आगे की जांच कर कार्रवाई कर रही है। नागपुर में समाज सेवा को समर्पित उन्नति फाउंडेशन की ओर से रविवार सुबह शहर पुलिस द्वारा सैकड़ों साइकिल चालकों का भव्य स्वागत किया गया। काटल रोड स्थित राजभवन के समीप सभी साइक्लोथॉन में भाग लेने वालों पर गुलाब के पुष्प की वर्षा की गई। नागपुर में भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुखता से पूर्व मंत्री अनीस अहमद, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, वर्धमान अर्बन बैंक के अध्यक्ष अनिल पारख, अंकुर सीड्स के डायरेक्टर विशाल उमालकर, रिकॉन कंक्रीट के गिरीश बोथरा, समाजसेवी रमन पेगवार, मनीष छल्लानी, रिंकू जैन, वनराइज संस्था के सचिव नीलेश खांडेकर, कारपोरेट एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी, प्रदेश कांग्रेस सचिव संदेश सिंगलकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप बत्ता, सचिन विपानी उपस्थित थे। महिला सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द को कायम रखने हेतु इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त अतिथि द्वारा पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी गजानन राजमाने का भव्य सत्कार किया गया। अतुल कोटेचा ने प्रस्तावना रखते हुए बताया कि संस्था द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर युवाओं में नई चेतना संचार करती है। श्री कोटेचा ने कहा कि नागपुर पुलिस द्वारा साइकलोथॉन के माध्यम से अनेक लोगों की हेल्थ को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस वक्त ढोल ताशा ध्वज पतक के कलाकारों के साथ तिरंगे गुब्बारों से आम जनता ने भारत माता की जयकारों से राजभवन इलाके को गुंजायमान कर दिया। आज हमारा नागपुर पुलिस द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन है और आज काफी उत्साह में काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस उद्देश्य से रैली और ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जनता और पुलिस में और ज़्यादा समन्वय बढ़ेगा और ज़्यादा एक बॉन्डिंग होगा और हम लोग मिल के शहर को और ज़्यादा शांत कर पाएंगे। ये 12 किलोमीटर की साइक्लोथॉन रैली है, ये रेस नहीं है, ये एक रैली है और करीब 1 घंटे में ये ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोग्राम है। सो इसमें कौन-कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? शहर की जनता की पार्टिसिपेशन है और माननीय पालक मंत्री के गाइडेंस में ये पूरा आयोजन किया गया है और जनरल पूरे शहर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया?
टोटल हमारे पास रजिस्ट्रेशन अंदाजन 4000 लोगों का आया था। एग्जैक्टली कितने लोग हैं अभी वो इवेंट के दरमियान। नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से भव्य मेलावे का आयोजन किया गया। उत्तर नागपुर का अपनी तरफ का ये पहला कार्यक्रम है। चुनाव में सफलता अगर मिलती है तो ये उत्तर नागपुर से ही मिलेगी। उत्तर नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज तक जैसा काम किया है उस तरह किसी ने किया नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने दी है। आज की सभा मतलब ये उत्तर नागपुर का ये पहला सत्ता हस्ता संपादन 16 है। आने वाली इलेक्शन में चुनाव में इस महानगर पालिका में अगर सबसे ज़्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी को सफलता अगर मिलती है और मिलेगी तो ये उत्तर नागपुर से मिलेगी। ये उत्तर नागपुर में जिस तरह हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ाया है, उत्तर नागपुर में जिस तरह वंचित बहुजन आघाड़ी ने काम किया हुआ है, ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया। यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष के जो आमदार भी है वो पिछले 10 साल पहले भी बोलते थे कि हम उत्तर नागपुर को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन जब भी बारिश बरसात की जब पहली बारिश होती है तो सभी को पता चलता है कि सिंगापुर किस तरह से बना हुआ है, उत्तर नागपुर का विकास किस तरह हुआ है। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी की महानगर पालिका में सत्ता थी, उसके बावजूद भी आज तक के कभी इस क्षेत्र का उत्तर नागपुर का और नागपुर शहर का कभी कोई विकास नहीं हो पाया है। आज भी उत्तर नागपुर का कई क्षेत्र ऐसी है कि जो ग्रामीण गाँव से भी बदतर परिस्थिति में आज भी वहाँ के लोग जी रहे हैं। आज भी वहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है, आज भी वहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, आज भी उस क्षेत्र में पानी की सुविधा नहीं है। आज लोग वहाँ पे एक टैंकर मंगा के 10-10 दिन उस एक टैंकर पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। संतानगर से लेके नारा नारी से लेके तो कलमना बस्ती तक के जितना भी आज ग्रामीण का क्षेत्र है आज भी पानी के लिए तरस रहा है। क्या हमारा विकास हो रहा है इस क्षेत्र में ये जनता को पता चलता है। इसलिए आज ये सत्ता संपादन 16 उत्तर नागपुर में आज बेजनबाग हॉल में जो रखा गया है उसका मेन मोटो वही है कि हम सब एक होके हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है पदाधिकारी है सब मिलके हम इस उत्तर नागपुर को उत्तर नागपुर की समस्याओं को सुलझाने का हम कोशिश करेंगे। नागपुर गुनाह शाखा की ओर से आज बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे 10,35,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। शेख सद्दाम शेख राशिद उम्र 21 साल रहवासी कलमना, अयान शेख कलंदर शेख उम्र 19 साल रहवासी कलमना, अंकुश विजय सिंह ठाकुर उम्र 17 साल रहवासी कलमना, यशवंत सीताराम धार्मिक उम्र 26 साल रहवासी शांतिनगर, महेंद्र बलिराम जी हेड़ाऊ उम्र 38 साल रहवासी पाचपावली, निकेश नामदेवराव जी चिमूरकर उम्र 50 साल रहवासी पाचपावली, साहिल उर्फ साई गुलाब जाधव उम्र 17 साल रहवासी चिखली कलमना, इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों की मेडिकल जांच कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।